कि अल्लाह ताला ने जो है इस काम के लिए हमें चुना। हमारे जितने साथी रात दिन इस पे काम किए, अल्लाह ताला उनको जजाए खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज बच्चों की जितने बच्चे 22 बच्चे तकरीबन अंदर थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज अभी इसी वक्त जो है अभी निकले हैं बाहर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अल शरई पीयू कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, MSK मिल रोड, अल शरई पीयू कॉलेज फॉर गर्ल, मिजगोरी रोड, गुलबर्गा गर्ल्स पीयू कॉलेज, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरई BSc डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स, यदुला कॉलोनी एंड हैप्पी डेज प्ले स्कूल, ओल्ड जेवरगी रोड। तो असल ये जो मामला हुआ था, इसमें जो है KRpuram के अंदर जो है बच्चों को पकड़ा गया था। इसमें करीबन 30 से ज़ायद बच्चे थे और बच्चों को कल हमने रिहाई कराई, आप भी जानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी ये जो हुआ हादिसा, इनके पास जो है हार्ड कॉपी नहीं थी, हार्ड कॉपी नहीं थी, तो इस वजह से जो है ये सारे प्रॉब्लम्स हुए। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पूरा इनके पास जो है था, लेकिन उसके तरीक़ेकार से जो है ये दिखा नहीं पाए, सबमिट कर नहीं पाए, इस वजह से थोड़ा ये हालात आए हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, बार बार ये हादिसा होने से सबको परेशानी होती है, खास करके मेहमान रसूल को। जो मेहमान रसूल हैं वो एक दीनी तालीम, दीनी इदारों में अपना कलाम को सीखने के लिए वो आ रहे हैं, तो वो बच्चों की उनकी कदर करना हमारा हक बनता है। उलमाए कराम से मेरी एक गुजारिश है कि मेहमान रसूल को जो है उनकी पूरी रहबरी किया जाए, पूरे तरीके से जैसा प्रोसीजर है। इंशाल्लाह हम जो है आज मौलाना मकसूद इमरान साहब ने कल जो कहा था कि पीर के दिन इंशाल्लाह मीटिंग सारे उलमा से देंगे बोलकर, वो भी बात होने वाली है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा फिर दोबारा ना हो कि बार बार देखिए हम जो है हम भी परेशान, बच्चे अंदर हैं, बच्चे मासूम बच्चे हैं, ये बार बार जो है अंदर जा कर के परेशान। 10 साल 8 साल के बच्चे जो है बहुत परेशान होते हैं, कोई अपनी औलाद को 3 दिन दूर रख कर के देखे मालूम पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ें हैं, ये जितने भी मेहमान रसूल हैं वो अपनी औलाद की नज़र देखें। मैं आजिज़ाना और इल्तिजाना मैं उलमा से मैं अदमन गुजारिश करता हूँ, गुजारिश ये है कि बच्चों के वालिदैन, अगर बच्चा छोटा है 10 साल की उम्र से या छोटा है या फिर 10-12 साल का है, तो ये बच्चों को जो है ख़ुद अपने वालिदैन ला करके छोड़ेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। नहीं तो इसमें बहुत सारी तकलीफ़ें बच्चों को आएंगी, वो बता नहीं सकते आम मजमे में। इंशाल्लाह उलमा के साथ जब मीटिंग होगी तो सारे बातें जो है, कई सारे इसमें ऐसे भी मसाइल हैं जो हम आम मजमे में बता नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उलमा के साथ जब मीटिंग होगी तो इस बातों को जो है उलमा के सामने रखा जाएगा, उलमा की खिदमत में रखा जाएगा। जो उलमा इस पर काम करें अल्हम्दुलिल्लाह हमसे जो है अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम है कि अल्लाह ताला हमें एक खिदमत करने का मौका दिया अल्लाह ताला का। और अल्लाह से गुजारिश है, दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे कौम में और मिल्लत के कामों में हमें इस्तेमाल करे और हमें दुनिया और आखिरत में ऐसे ही काम करके हमें आखिरत में अल्लाह ताला को उसम को राज़ी करने की तौफीक अता फरमाए। तो मसला यह है, जैसे आपने शरफुद्दीन साहब ने सब कुछ बताया है कि ये बच्चों को पकड़ाया जाता है, कई बार बच्चों को रेलवे स्टेशन में पकड़ते हैं। वजह यह है कि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं रहता, रहने के बावजूद भी वो कैरी नहीं करते साथ में। हर बार कोई भी बच्चे जहाँ से भी, झारखंड से, बिहार से, महाराष्ट्र से, कहीं से भी आए, तो माँ बाप की एक जिम्मेदारी होती है कि उनके साथ उनका डॉक्यूमेंट फिजिकली यानी कि हार्ड कॉपी उनके साथ दे के भेजा जाए। डॉक्यूमेंट ये है कि उनका आधार कार्ड हो या उनका रेशन कार्ड हो, बच्चों माँ बाप का आधार कार्ड हो, मदरसे को जो कौन से मदरसे को आ रहे हैं वो मदरसे का एड्रेस हो, उसका उनका मोबाइल नंबर हो, वहाँ के सदर का मोबाइल नंबर हो, ये सब चीज़ों के साथ भेजा जाए। ये ना होने की वजह से हर बार रेलवे स्टेशनों में बच्चों को पकड़ते हैं। तो मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ तमाम उलमा इकराम से, मदरसों के ज़िम्मेदारों से, कि एक रजिस्टर मेंटेन किया जाए, बच्चे जो बच्चे कहाँ से आते हैं, कौन से बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, उनके माँ बाप का मोबाइल नंबर, उनके माँ बाप का आधार कार्ड, बच्चों का आइडेंटिटी कार्ड, और जो उनके गाँव का एक मुख्य होता है वो मुख्य के पास से एक लेटर होना चाहिए। कभी यहाँ से पुलिस स्टेशन से फ़ोन किया, कभी रेलवे स्टेशन से या पुलिस के भी फ़ोन करे तो उनको इंक्वायरी करने से उनको पता चल जाए कि हाँ ये बच्चा सही जगह से आया है, सही जगह पे आ रहा है। तो ये ना होने की वजह से बच्चों को पकड़ाया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा डॉक्यूमेंटेशन को हमने सबमिट किया है, हम शरफू भाई और उनकी टीम, MIM की सारी टीम और दूसरे ज़िम्मेदार और हमारी लॉयरों की टीम ने मेहनत करके अल्लाह को राज़ी करने के खातिर वो बच्चों का डॉक्यूमेंट सबमिट करके 30 बच्चों को छुड़ाया है। तो मैं एक
एक मैसेज आपके जरिए से देना चाहता हूँ सारे मदरसों के जिम्मेदारान को, सारे उलमा इकराम को अदबान गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे उनके मदरसे में पढ़ते हैं उनके लिए उनको अच्छी तरह से सारा डॉक्यूमेंट क्लियर टू कट एडमिशन रजिस्टर के साथ उनको एक आइडेंटिटी कार्ड बना के दिया जाए। जो भी बच्चे पढ़ते हैं जहाँ पे गाँव के उनके घरों को छुट्टियों में जाते हैं उनको एक आइडेंटिटी कार्ड बना के दिया जाए ताकि उनको फिर आने में तकलीफ ना हो और सब कुछ करके इंशाल्लाह आगे ये तकलीफा ना हो। ये करने की वजह क्या बोले तो अगर कभी हमारे बच्चे कभी गलत जगह पे ना पहुंच जाए तो हमारी इंक्वायरी के हिसाब से 3612 बच्चे ऑलरेडी ऐसे इसमें रिमेंड रूम्स में हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन रूम्स बोलते हैं उसको, तो ऐसे जगह में है तो वो उन बच्चों को और भी छुड़ाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे शरफू भाई उनकी सारे टीम हम लोग साथ में मिलकर सारे जगह पे विजिट कर 10 सेंटर्स हैं और दूसरे भी सेंटर्स हैं वहाँ पे जाके उनको छुड़ाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों से दुआ है कि आप लोगों से गुजारिश है कि अल्लाह के पास हमें दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे कामों में कामयाबी अता फरमाए और इसका अजर दुनिया और आखिरत में हमें और हमारे माँ बाप को अता फरमाए। चुपके अपडेट को हमें हाँ में हाँ मिला मैं मदरे से भी बच्चे आना था बच्चे आगे क्या भी सुकून है अभी सबको अलहमदुल्ला अभी जब आओगे वापस से दुआएं करना सबके हक में दुआ करो जो कोई भी मेहनत करे जो कोई भी ये करे सबके हक में दुआ करने का। और सबसे बड़ी बात क्या है जब आप आते हो तो पूरा डॉक्यूमेंट पेपर खाता सब लिखवा के लेके आने का वरना यही हालत हो जाएगी फिर से। गाड़ी का बंदोबस्त होगा गाड़ी हेलो हाफिज बस के जी क्लिप में नीचे ऐड करिए मजलिस को भी काम क्यों कर रहे हैं हमारी मजलिस जो कर रही है किसके लिए कर रही है कौम के लिए है ना। वक्त पड़ा कौन सी पार्टी फल भाग के आई।